बॉडी को तुम डिटॉक्स। पास्ता रेडी हो गया। झूला भी है पार्क में। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आपने हाइलाइट्स देख ही लिया है, वीडियो में आगे बहुत मज़ा आने वाला है, ऐसे बने रहिएगा। तो आज मेरे बेटे का इस सेशन का फाइनल एग्ज़ाम है, तो उनकी मैम ने बोला कुछ घर से स्पेशल लाना है, कुछ अलग लाना है। तो फास्ट फूड इनके स्कूल में अलाउ नहीं होता, बस सैटरडे को होता है, बाकी दिन नॉर्मल खाना ले जाना होता है। तो आज मैं बना रही हूँ पास्ता। तो मैंने पानी को खूब उबाल लिया, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है, थोड़ा नमक डाला है, और जब ये पानी अच्छे से उबल जाएगा इसमें, तो हम अपना पास्ता ऐड कर देंगे। तो अब हम पास्ता ऐड करेंगे और इसे थोड़ा सा चला के फिर इसको हल्का ढकेंगे, हल्का खुला रहे, नहीं तो इसमें से पानी उबाल बन के निकलता है तो गिर जाएगा सारा इंडक्शन पे, तो ख़राब हो जाएगा इंडक्शन। तो देखिए हमारा पास्ता उबल चुका है अच्छे से यहाँ पे, और ये भी हमें पास्ते को अच्छे से पकाना, क्योंकि बच्चे को खाना। हम शिमला मिर्च काटेंगे और टमाटर, शिमला मिर्च के अंदर एक छोटा शिमला मिर्च निकला आप देख सकते हैं, और ये प्याज को हमने स्लाइस में कट कर लिया लेयर में, और ये अदरक लहसुन मिर्ची है, धनिया है, हमारे पास ज़्यादा सब्जियां नहीं थी, तेल गरम किया हमने। इसमें अदरक लहसुन मिर्ची को हम अच्छे से भून लेंगे। जब ये अच्छे से भुन जाएंगे, हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज को भी बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, थोड़ा क्रंचीपन रहने देंगे। अब सब्जियाँ भी ऐड करेंगे, इनको भी भून लेंगे, फिर पास्ता ऐड करेंगे। पास्ते को भी हमने अच्छे से भून लिया है। अब पास्ता मसाला हम ऐड करेंगे, आप कोई सा भी मसाला डाल सकते हैं जो भी आपके पास है। और इसको चलाते हुए धीमी आंच पे पकाएंगे हम, थोड़ा फ्लेम को लो कर देंगे, और इसमें केचप डालेंगे, और हमारे पास मेयोनीज केचप है तो डाल देंगे, अगर नहीं है तो आप बिल्कुल मत डालिए। तो इसको फ्लेम को लो करके चलाएंगे बस 2 मिनट, और उसके बाद बंद कर देंगे। 1 मिनट चलाएंगे फिर बंद कर देंगे। हमें इसमें धनिया की पत्ती ऐड कर देंगे अच्छे से, और अब इसे हम थोड़ा ठंडा करके नॉर्मल। अब आप देख सकते हैं हमारा पास्ता रेडी हो गया। तो हम आज हरे प्याज की सब्जी बनाएंगे, इसे साड़ा संडा स्प्रिंग अनियन इंग्लिश में बोलते हैं, आपके तरफ क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा। तो इसकी हम जड़ें निकाल देंगे, इसके पीले पत्तों को हटा देंगे। तो हम प्याज को अच्छे से काट लिए, तेल गरम है, इसमें लहसुन मिर्ची का हम तड़का दे देंगे। जब ये अच्छे से भुन जाएगा, इसमें हम आलू ऐड कर लेंगे पतला पतला काट के, और थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, पिंच ऑफ हल्दी, और इसे चलाते हुए अच्छे से इसको फिर ढक देंगे हम। ये जब आधा पक जाएगा आलू हमारा, तो इसमें हम अपना प्याज डालेंगे। मेरा ट्रिक है, ऐसे बहुत बढ़िया बनता है, साथ में ही डाल देते तो आलू एकदम मेल्ट जैसा हो जाता है, चोखे जैसा। और अब नमक डाल देंगे, नमक हम बहुत कम डालेंगे क्योंकि प्याज गल के पत्ते कम हो जाते हैं। तो अब इसे चलाते हुए ढक देंगे। देखिए हमारी सब्जी लगभग तैयार है। अब हम रायता बनाएंगे दही का। तो दही बूंदी को हमने भिगो लिया अच्छे से, दही को फेंट लेंगे, दही गाढ़ी है, इसमें थोड़ा पानी मिलाएंगे, और फिर हम फेंटेंगे, तवा गरम करेंगे, इस पर हम जीरा भून लेंगे अच्छे से, थोड़ी सी हींग भी डालेंगे, और इसको हम सिल बट्टे पे पीस लेंगे। काला नमक, जीरा और ये हींग को अच्छे से महीन बारीक पीस लेंगे, और इसके बाद हम दही में अपना ये जीरा वाला मसाला मिला देंगे। फिर ये बूंदी को हम पानी में से अच्छे से निचोड़ के छान लिए हैं, इसको भी मिला देंगे इसमें। फिर हम हरी मिर्ची डाल रहे हैं, आप लाल मिर्ची पाउडर कुछ भी डाल सकते हैं। धनिया की पत्ती ऐड करेंगे। बस हमारा रायता रेडी है, रोटी चावल सब्जी से खाने। तो हम आ चुके हैं पार्क की, नर्सरी पार्क है और बहुत बड़ा पार्क है ये, और देखिए बच्चों के चेहरे पे कैसे खुशी है पार्क में आने की। और ये है निकू, मैं इसे प्यार से मिकू बुलाती हूँ। और अभी बच्चे एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे एक्सरसाइज मशीनें ये एक्सरसाइज करने के लिए कम यूज करते हैं, उसे झूला झूलने के लिए ज़्यादा यूज करते हैं। तो उधर ही भाग रहे हैं, तो हम भी इनके पीछे पीछे ही जाएंगे। और ये बहुत बड़ा पार्क है, बहुत खूबसूरत पार्क है। हाँ, घना जंगल की तरह ये पार्क है, और अंदर बहुत कुछ है। यहाँ पे दो दो ऐसी एक्सरसाइज मशीनें हैं, इसमें फूल है, बहुत सारे चीज़ें हैं यहाँ पे, और मतलब बहुत बड़ा है, खुला है ये। यहाँ आसपास में इतना बड़ा नहीं है, ज़्यादातर दूर में है थोड़ा। बहुत खूबसूरत फूल खिले हैं,
पूरे फूल ही फूल है, कलरफुल। इतना बड़ा है, बहुत ही बड़ा, इसे हम नर्सरी पार्क कहते हैं। और इसमें दो पार्क मर्ज है और दो दो जगह एक्सरसाइज मशीनें हैं इसमें। आगे दिखाते हैं अभी। आ जाओ, यहाँ चिड़ियों की आवाज आ रही है बहुत ही अच्छी। चारों तरफ यहाँ पे हरियाली भी है पार्क में। इधर बच्चे, ये देखो सातूत का है और अभी पका नहीं है, थोड़े दिनों बाद पक जाएगा, फिर खाया जाएगा आके। हाँ, ये सातूत है। फूल ही फूल है यहाँ पे और चिड़ियों की चहचहाट आप लोग सुन सकते हैं। कितनी खूबसूरत नेचुरल वातावरण में बिल्कुल हम लोग आ गए हैं। ये देखिए चिड़िया, कितना अच्छा लग रहा है ना। और ये फ्लावर्स, खूबसूरत फ्लावर्स। मुझे इस पार्क का शाम और सुबह की चिड़ियों की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, देख सकते हैं आप लोग। हम लोग बचपन में छोटे छोटे थे तो सारी चिड़िया ऐसे उड़ के अपने घोंसलों में जाया करती थी। एक बहुत बड़ा बांस का बगीचा था वहाँ पे। आज वैसा ही कुछ फील हो रहा, बहुत अच्छा लगता था। बहुत दिनों बाद ऐसी चीज़ सुनाई दी है। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी आवाज़ है। यहाँ पे हरियाली ही हरियाली है। अभी बहुत बड़े हैं ये पार्क, अभी तो हम लोग दूर गए ही नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ा है। बहुत सारी जगह यहाँ पे बनी हैं, आप देख सकते हो कितना खूबसूरत। यहाँ पे डस्टबिन वगैरह सब कुछ है, बैठने की भी जगह है। और ये अच्छे अच्छे फूल भी लगे हुए हैं यहाँ पे, खिले भी हैं। बहुत ही खूबसूरत है यहाँ का नज़ारा, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पार्क में ये सिक्योरिटी है। हाँ, यहाँ पे ऑफिस भी है बहुत। और ये ठंडा पानी पीने के लिए फ्री में उपलब्ध है। यहाँ देख सकते कितनी अच्छी जगह है। ये चिड़िया, पानी आ रहा है। हाँ, ये फूलों के लिए पानी आता रहता है ऐसे। ये फूल लगे हुए हैं चारों तरफ ऐसे छोटे छोटे से बने हुए बैठने के लिए। और यहाँ पे ये दूसरी साइड भी एक्सरसाइज मशीनें यहाँ पे लगी हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा पार्क है, इसमें दो पार्क मर्ज है एक साथ में, दो एरिए का, तो इसीलिए यहाँ पे दो मशीनें लगी हुई हैं। आप लोग देख सकते हैं शाम को सारे लोग आके यहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से ये लगा हुआ है। इधर बास्केटबॉल का है, बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ पे सारी मशीनें हैं। हाँ, हाँ हिंदुस्तानी आगे होंगे, मुझे नहीं पता था। ये बहुत बड़ी सी फील्ड है, यहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, बहुत ही बड़ा। उसके बाद में उधर सिटी है, शहर बसा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा सा एरिया, दिल्ली में इतना बड़ा एरिया मिलना बहुत ही मुश्किल है, और वो भी मेन सिटी में। तो आप लोग देख सकते हैं ये सिटी में पीछे का बिल्कुल व्यू है। और ये रहा घना सा हमारा पार्क। नहीं बेटा, तेज नहीं हो रहा है, तेज नहीं भाई, बहुत स्लो बच्चे हैं।
हम लोग बचपन में ऐसे पेड़ों पे झूलते थे नहीं, पुराने जमाने का। मैं तो पेड़ पे कभी आज तक नहीं चढ़ पाई। इधर देखो मिकू से मैं वादा कैसे बस 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 स्केटिंग किट पहन के प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बहुत ही बड़ा ये पार्क है, जितना मैंने छोटी छोटी वीडियो कैप्चर की है। बस जा रहे हैं और ज़्यादा अंधेरा हो गया है, अंधेरा उतना हुआ नहीं है बट ये घना है ना गार्डन बहुत ही ज़्यादा, तो इसलिए लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया है। आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मेरी वीडियो को शेयर भी किया करिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जो न्यू है वो सब्सक्राइब कर लेंगे इस चैनल को। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।